हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन को एक ही बार में वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और इंस्टेंट ग्लो दे सकता है। ये रेमेडी ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले दोनों यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी ऑयली स्किन वालों को कैसे यूज करना है ये देख लेते हैं। इस रेमेडी में हमें स्क्रब पैक बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक कटोरी में एक चम्मच चावल का आटा लेना है, यानी राइस फ्लोर। दूसरी चीज इसमें जो ऐड करनी है वो है लेमन जूस। लेमन जूस आपको 2 चम्मच लेना है। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता हो तो आप टोमेटो जूस भी ले सकते हो। अभी आपको इसमें एक और चीज ऐड करनी है, वो है रोज वाटर, यानी गुलाब जल। रोज वाटर आपको 3 चम्मच ऐड करना है। मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन वालों को इसमें ऐड करना है विटामिन ई की कैप्सूल, क्योंकि स्क्रब ड्राई स्किन वालों की स्किन ज्यादा ड्राई कर देता है। विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करने से उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। हमारा स्क्रब पैक बनकर तैयार है। अपने चेहरे पर स्क्रब करने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। चेहरे को क्लीन कैसे करें, तो चेहरे को क्लीन करने के लिए आप चाहो तो फेस वॉश से क्लीन कर सकते हो, आप चाहे तो क्लींजिंग वाइप से भी क्लीन कर सकते हो। चेहरे को क्लीन करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्क्रब लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 3 या 5 मिनट तक मसाज कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 7 या 10 मिनट तक मसाज कर सकते हो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये स्क्रब ब्लैक हेयर्स और व्हाइट हेयर्स को भी धीरे धीरे रिमूव करने का काम करता है। मसाज कम्प्लीट होने के बाद जो आपका स्क्रब पैक बचा है उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और 15-20 मिनट के लिए उसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट होने के बाद चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हो कि एक ही बार में इस रेमेडी से मेरे चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है। लास्ट में आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर क्रीम। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। ये रेमेडी अपने चेहरे पर एक बार जरूर ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।